कोवैक्सीन की मंजूरी आपवानो इनकार कर्यो। डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल कमिटीए कोवैक्सीन इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी न आपीने वधु जरूरी माहिती आपवा माटे आदेश कर्यो। रसी की मंजूरी ने लईने 3 नवेम्बरे निर्णय करवामां आवशे। केन्द्रीय आरोग्य प्रधान मनसुख मांडविया नवा वेरियंट मुद्दे कहूं कि सरकार की नजर आ मामले है और दरेक स्तरे आनी तपास करवामां आवी रही है। तेमणे कहूं कि भारतीय तबीबी संशोधन परिषद और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र की टीम पर विभिन्न प्रकार अध्ययन और विश्लेषण की जवाबदारी है। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन खान की जामीन अरजी पर आज सुनावी हाथ धरम गई का बॉम्बे हाईकोर्ट सुनावी टाड़ी थी अने कोर्ट में सीनियर वकील मुकुल रोहतगीए दलीलो करी हती के आर्यन ने केम जामीन न मळी शके, तो बीजी तरफ एनसीबीए आर्यन खान नी जामीन अरजी नो विरोध कर्यो। मुंबई ड्रग केस में आर्यन अने अनन्या नी वधु व्हाट्सएप चेट सामे आवी। आर्यन एनसीबी ना नामे चेट में मित्रों ने धमकावतो हतो। एक चेट में आर्यने कोकेइन टुमोरो आपवानुं वचन आप्युं हतुं अने अन्य एक चेट में आर्यन खान अजीत कुमार नामना ड्रग पेडलर पासेथी 80,000 रूपियानो गांजो खरीदवानो पण उल्लेख छे। एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सहित 5 उच्च अधिकारियों की विजिलियंस टीम मुंबई आवशे। प्रभाकर शैल समीर वानखेड़े सहित अन्यों की पूछपरछ करवामां आवशे। समीर वानखेड़े पर आक्षेप मुकता नवाब मलिकना ननामा पत्र पर एनसीबी नहीं करे कोई कार्यवाही। एनसीबी की गाइडलाइन अनुसार कोई कार्यवाही नहीं करवामां आवे। सेंट्रल विजिलियंस कमीशन की गाइडलाइन एनसीबीए कर्यो उल्लेख। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले आर्यन खान मुद्दे निवेदन, कहूं कि बनाव ने हिंदू मुस्लिम रंग आप षड्यंत्र कर आर्यन के शाहरुख भाजप में जोड़ाई जाए तो ड्रग्स मीठी साकर बनी जैसे। मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकारी झटको आप्यो। भागी चूटेला परमबीर ने नहीं मड़े पगार। एंटीलिया केस में आरोप लाग्या बाद परमबीर सिंह मुंबई थी नासिक गया था। तमिलनाडु कला कुरीची शंकरपुरम में फटाकड़ा की दुकान में विस्फोट की घटना सामने आई थी। दुर्घटना में 5 लोग घटनास्थले मौत थे जारी 10 लोग इजाग्रस्त तथा सारवार माटे खसेड़वामां आव्या। तमिलनाडु मुख्यमंत्री मृतकों परिवार ने 5 लाख और इजाग्रस्तों ने 1 लाख की सहाय की जाहरात करी। 29 नवेम्बर थी शुरू थशे संसद शियाळु सत्र। 25 दिवस सुधी चालनारा सत्र में खेडूत आंदोलन जम्मू काश्मीर हिंसा मुद्दे विपक्ष सरकार ने घेरशे। सुप्रीम कोर्ट आज पेगासस जासूसी केस की तपास मामले थे अरजी पर चुकादो आपी शके छे। कोर्ट की देखरेख में तपास करावानी मांग करती अरजी पर कोर्ट आज निर्णय लई शके छे। पंजाब पूर्व मुख्यप्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह बनावशे नवी पार्टी। आज करशे घोषणा साथ 3 कृषि कायदा ने लईने पण कोई समाधान निकळशे। तो 2022 थी पंजाब विधानसभा चूंटणी में भाजप साथ सीट की वहेंचणी करवा पण कैप्टन तैयार। 2 वर्षना समयगाळा बाद 28 ऑक्टोबरे योजाशे आरएसएस की बैठक। बांग्लादेश में हिंदू पर हिंसा सहित मुद्दे थशे चर्चा। दिल्ली में मळेली कांग्रेसी बैठक में अध्यक्षा सोनिया गांधी पार्टी में अनुशासन और एकता पर भार मूक्यो। कहूं कि आपणो अभियान लोकोनी वातचीतने आधारे बनावामां आवेली नीतिओ पर आधारित होवो जोईए। पार्टी की मजबूत व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी उपर होवी जोईए। उत्तर प्रदेश ने आगामी विधानसभा की चूंटणी की कांग्रेस द्वारा तड़ामार तैयारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगामी 31 ऑक्टोबर रोज गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली ने संबोधित करते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा विधानसभा की चूंटणी प्रचार माटे 30 ऑक्टोबरे गोवा जशे। गोवा में खनन प्रतिबंध थी असरग्रस्त लोगों ने मिली शके छे, साथ माछीमारों साथ मुलाकात करशे। कांग्रेस एक बार फरी मोदी सरकार विरुद्ध करशे देशव्यापी आंदोलन, जे अंतर्गत राजस्थान में 14 नवेम्बर थी 29 नवेम्बर सुधी जनजागृति माटे विरोध व्यक्त करशे। तो जनता वच्चे जईने कांग्रेस मोदी सरकार 7 वर्षना लेखाजोखा रजू करशे। सोनिया गांधी बोलावेली बैठक में आ कार्यक्रम ने अंतिम स्वरूप अपायुं। आसामनी 5 विधानसभा सीट पर 30 ऑक्टोबरे पेटा चूंटणी योजावा जई रही है। कांग्रेसे आसामनी सीएम पर निशान साध्यो अने कह्युं कि मुख्यप्रधान हिमंत बिस्वा शर्मा विरोध चूंटणी पंच में फरियाद दाखल करी छे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवालाए कह्युं कि मुख्यप्रधान पर लांच लेवानो केस दाखल करी तेमना प्रचार पर रोक लगावामां आवे।
બિહારમાં પેટા ચૂંટણી નજીક આવતા રાજકારણ ગરમાયું. લાલુ પ્રસાદ યાદવે એનડીએ અને સીએમ નીતીશકુમારના વિસર્જન કરવા અંગેના નિવેદન પર નીતીશકુમારે પ્રતિક્રિયા આપી. નીતીશકુમાર કહ્યું કે લાલુ યાદવ ઈચ્છે તો મને ગોળી મરાવી શકે છે, બાકી કાંઈ નહીં કરી શકે. લખીમપુર હિંસા કેસના બે આરોપી વિચિત્ર સિંઘ અને ગુરવિંદર સિંઘની ધરપકડ કરવામાં આવી. પોલીસ સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમે એફઆઈઆરના આધારે ધરપકડ કરી. દિલ્હીમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો આવ્યો છે. હોસ્પિટલોમાં આવતા તાવના કેસોમાં 70-80% કેસ ડેન્ગ્યુના સામે આવી રહ્યા છે. સ્વામી દયાનંદ હોસ્પિટલના સર્જિકલ વોર્ડને ડેન્ગ્યુ વોર્ડમાં ફેરવવામાં આવ્યો.